और अब बात करते हैं ठंड को लेकर जो नए साल में प्रचंड प्रहार कर रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों में इस वक्त भीषण बर्फबारी हो रही है और इससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सैलानियों के लिए ये बर्फ जो है ये किसी जश्न से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले दो दिनों से बर्फबारी की तमाम तस्वीरें आ रही हैं और आगे आने वाले दिनों में ठंड के और ज्यादा बढ़ने का अनुमान भी बताया जा रहा है। ये धरती का स्वर्ग है जिसका आसमान से गिरती बर्फ से श्रृंगार होता है। पेड़ ढक जाते हैं, पहाड़ सफेद हो जाते हैं, सड़कें मानो गायब हो जाती हैं, दूर दूर तक सफेद चादर के सिवा कुछ नजर नहीं आता। घाटी का एक बार फिर कुदरत श्रृंगार कर रही है। कश्मीर की इन्हीं बर्फीली वादियों को देखने, महसूस करने, उनसे जीवन में खुशियां भरने के लिए हर साल देश विदेश से नए साल पर लोग यहां पहुंचते हैं। इस बार भी नए साल के मौके पर कश्मीर घाटी पर्यटकों से गुलजार है। कश्मीर की सैर करने आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि इस सीजन की पहली बर्फबारी का इंतजार खत्म हो गया है जिसने नए साल के जश्न में चार चांद लगा दिए हैं। कश्मीर में दो दिन पहले से ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दी। गुलमर्ग और बारामूला में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई जिसके बाद श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। लेकिन ये तय हो गया कि कश्मीर में नए साल का स्वागत बर्फबारी से होगा। गुलमर्ग से आए सैलानियों को निराशा नहीं होगी। श्रीनगर में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है और कहीं ना कहीं कश्मीर आने वाले पर्यटकों और नए साल के जश्न में शरीक होने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के बाद काफ़ी तापमान में जो है गिरावट आएगी और श्रीनगर का तापमान -6 से -7 डिग्री तक पहुँच सकता है। ये पहलगाम की तस्वीर है जहाँ पर सैलानी खुशी के मारे झूम रहे। बर्फबारी के बीच नए साल का स्वागत करने का अनुभव इनमें से कई लोगों के लिए नया होगा जो इन्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है चाहे गुलमर्ग हो या फिर सोनमर्ग। बर्फबारी के कारण जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली जो उत्तर प्रदेश से आए इन छात्रों के लिए कभी ना भूलने वाला अनुभव है। बर्फ़ तुमको कली मिली है, तब से नहीं थी बर्फ़, धूप भी थी यहाँ पे। परसों गुलमर्ग गए थे, कल सोनमर्ग गए तो बहुत मज़ा आया। मतलब ये तो नज़ारा अलग ही है, जन्नत का नज़ारा। बर्फ़ गिरती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मैं गुलमर्ग आया यहाँ पे, सोनमर्ग आया, मैं काफ़ी जगह घूमा। अब ये डोड़ा की तस्वीर देखिए जिसमें चारों तरफ बर्फ है, पानी जमा हुआ है, पहाड़ बर्फ की सफेद चादर के आगोश में। दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ और एकांत मिलेगा जिसकी तलाश देश विदेश से लोगों को कश्मीर खींच लाती है। ये बर्फ सैलानियों के लिए खुशी लाती है तो स्थानीय निवासियों के लिए मुश्किल भरी होती है। इंदौर से हम लोग ऐसे थे कि हमें ठंड लग ही नहीं सकती, पर जिस दिन हम यहाँ पे आए हैं तब से अभी तक में जो हालत खराब है, मतलब 5-5, 6-6 प्रोटेक्शन के लिए हमने कपड़े पहने, ग्लव्स पहने, 3-3 सॉक्स मैं खुद पहन के घूम रही हूँ, इतनी ठंड लग रही है। जो ये बर्फ पड़ता है इसी की वजह से हमारे बहारें अच्छी गुजरती है कि नदियों का पानी होता है, चश्मों का बहना होता है और ऐसे ही बहुत सारे फायदे। और नुकसान ये होते हैं कि अभी बर्फ पड़ी है, न जाने कितने दिनों से बिजली जाएगी और नलके जम जाते हैं। बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। जिला राजौरी और पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड पर भी यातायात बहाल नहीं किया जा सका है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन होने के कारण यातायात को रोकना पड़ा। सोनमर्ग में 20 इंच, गुलमर्ग में 7 इंच, श्रीनगर में 1.5 इंच, काजीगुंड में 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है।